नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2013 का प्रश्न पत्र पहला, यानी कि जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर होता है उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। और जो आपका सी सेट होता है यानी कि प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आप देखिए 33% के करीब आपके नंबर उसमें आपको लाने होते हैं। और याद रखिए, इस तरह की आपके सिविल सर्विस से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस हो, आपके दिमाग में इससे संबंधित कोई भी सवाल आ रहा हो, उनके लिए हमने क्लास ले चुकी है। क्या क्लास ले ली है? बहुत सारी। और आप देखेंगे सिविल सेवा परीक्षा के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बन गई है और उसमें सभी वो क्लासें डली हुई है। और 2011 का आपका प्रीलिम्स, 2012 का प्रीलिम्स के पेपर, उन्हें भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई है, तो वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि उन क्लासों को देखने के बाद आपके मन में सिविल सर्विस से संबंधित कोई क्वेश्चन का आंसर रह जाएगा, वहां सबके जवाब मिल जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल आपके मन में रह गया है तो आप लोग बताइएगा, उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है। और आप लोग अगर शुरुआत भी कर रहे हैं तब भी उन्हें आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि प्रीलिम्स का क्या हाल रहता है, किस तरह का होता है, मुख्य परीक्षा किस तरह की रहती है, इंटरव्यू किस तरह का रहता है, इन सब का पैटर्न किस तरह का रहता है, उन सब पर आप देखेंगे बहुत विस्तार से हम लोग बात किए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो इसे हम इस पेपर को भी देखते हैं। और इसमें याद रखिए टाइमिंग थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि हम लोग बहुत विस्तार से देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आप लोग जब पेपर दे रहे हो, परीक्षा हॉल में बैठे हो, तो उस समय आप लोग दो तीन बातों का याद ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग देखिए, आप लोगों को सबसे पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, उन्हीं के आंसर देना है जो आपको अच्छे से आ रहे हो, जिन पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत हो, थोड़ा कंफ्यूज हो आप, उन्हें आप लोग बाद में सॉल्व कर लीजिएगा जब आपके पास टाइम बचे तब, ठीक है। एक ये बात याद रखिए, और एक याद रखिएगा कि आपको बड़े ध्यान पूर्वक हर क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आंसर आते हुए भी हम गलत कर बैठते हैं ध्यान ना देने की वजह से उन पर, और उन्हें हम लोग आगे देखेंगे भी। आप सभी लोग जानते होंगे इसमें कि आपका 2 घंटे का आपको समय मिलता है और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 नंबर का रहता है, और ये पेपर पहला है। इसमें 4 सेट रहते हैं, ए बी सी डी, तो याद रखिए पहला सेट है। और याद रखिए क्वेश्चंस तो सभी में सेम रहेंगे, बस आप देखिए उनका क्रम बदल जाता है, बस इतना रहता है। इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इन सब की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो वहां से डाउनलोड करके आप देखते रहिएगा आराम से। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? इनका कहना है कि आप लोग विधेयक के बारे में सुनते हैं, जब तक आपका राज्यसभा और लोकसभा में रहता है कोई प्रस्ताव, उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही आप देखेंगे इस पर आपकी राष्ट्रपति साहब की सहमति मिलेगी, वो अधिनियम बन जाएगा, वो पूरा हो जाएगा उसका प्रोसेस। तो धन विधेयक, आप सभी जानते हैं कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास ज्यादा कुछ शक्तियां नहीं होती हैं। तो यही कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा? पहला ये कथन कह रहा है कि लोकसभा राज्य की सभी राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। बी कह रहा है लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। सी कह रहा है लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। और डी कह रहा है इसमें राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या कर सकता है? संयुक्त बैठक बुला सकता है। और याद रखिए इस तरह की संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? सी ऑप्शन, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। क्या कर सकती है? लौटा सकती है। आप सभी जानते हैं कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 109
और 110 में आपको देखने को मिलेगा। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के आधार पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में, ठीक है। और राज्यसभा या उच्च सदन को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार दिए गए हैं, यह इस विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, इसके पश्चात उच्च सदन में से पारित माना जाता है। आप देखिए कि अगर 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रखती है तो ये मान लिया जाता है कि ये विधेयक राज्यसभा से भी पारित हो गया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन को लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और इसे नहीं भी कर सकती है, यह उसका विशेष अधिकार है। किसका? लोकसभा का। और प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, और परंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। प्रत्येक धन विधेयक जो है एक वित्त विधेयक तो होगा, लेकिन याद रखिए प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निश्चित कौन करता है? तो याद रखिए जो आपके लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। आपको यही बता देता हूं, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूं। आप सभी जानते हैं कि आपकी जो संसद होती है अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में आपका संसद का प्रावधान किया गया है। इसमें संसद में आप देखते हैं तीन भाग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति साहब देखते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, समझ रहे। और राज्यसभा को आप लोग उच्च सदन भी कहते हैं, जिसे आप लोग द्वितीय सदन भी कहते हैं, समझ रहे। और आपको बता दूं कि राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 में हुआ था, और आप सभी को मालूम है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर यानी कि सदस्य हो सकते हैं, और अगर हम लोग करेंट में बात करें वर्तमान में तो 245 सदस्य हैं इसमें। और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और याद रखिए स्थायी सदस्य स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। इसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, हटते रहते हैं, नए आते रहते हैं, इस तरह से स्थायी बना रहता है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो 30 साल की न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए। अगर आप लोग 30 साल की आयु हो चुकी है आप तो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता पा चुके हैं। अगर आप लोग राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल की अगर आयु आपकी हो चुकी है तो आप राष्ट्रपति बनने के लायक हो चुके हैं। और आप सभी को बता दूं कि जो राज्यसभा सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन, इनका चुनाव जो आपके एमएलए होते हैं ना विधायक, उन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आपको अगर हम लोग लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा को आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ जानते हैं? लोकसभा को आप लोग निम्न सदन या प्रथम सदन भी के नाम से भी जानते हैं। और जो लोकसभा सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। अगर आपकी भी 18 साल की एज हो चुकी है तो आपका भी वोटर आईडी में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग लोकसभा के लिए चुनाव भी करते होंगे, ठीक है, जब लोकसभा चुनाव होते हैं। और याद रखिए इसमें अधिकतम अगर हम संख्या की बात करें तो 550, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का खात्मा हो चुका है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें अगर आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो 25 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी, कितनी? 25 साल। अगर 25 साल के आप हो चुके हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और लोकसभा की अगर हम लोग कार्यकाल की बात करें तो 5 साल के लिए होता है। आप देखते हैं 5 साल बाद विघटन हो जाता है, एक तरह से नई लोकसभा का गठन होता है, फिर से चुनाव होता है, समझ रहे, तो उसी की बात कर रहा हूं। तो यही इसके बारे में पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है दूसरा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला क्या कह रहा है इसमें? पहला कह रहा है कि भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
सी कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। और इसमें आपका डी कह रहा है कि विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा और बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। बताइए इसमें डी में क्या, इसमें क्या लगाओगे आप? तो इसमें सही कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। कहाँ? संविधान में। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की व्यवस्था रखी गई है संविधान में, आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में, लेकिन राज्यपाल के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 आप सभी जानते हैं, 153 से लेकर 162 तक राज्यों के राज्यपाल के संबंध में व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल की पदवी का वर्णन कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर धारित रहेगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति साहब का प्रसाद मिलता रहेगा किसे, राज्यपाल को, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति जब भी चाहेगा उसे हटा सकता है। संविधान में राज्यपाल की पदावधि का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में आप देखिए दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। एमपी में आप देखते हैं, एमपी उत्तर प्रदेश में एक ही बना देते हैं, समझ रहे हैं? तो ये इस तरह की व्यवस्था होती रहती है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित है, बताइए इसमें क्या लगाओगे? सही सुमेलित है। तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ आपको भौगोलिक लक्षण दिख रहे हैं और ये प्रदेश हैं आपके, क्या है, प्रदेश हैं। एबीसीनी पठार, अरब सागर, एटलस पर्वत, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, गुआना उच्चभूमि, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ओकावांगो दोन्नी, पैटागोनिया, इनमें से आपको सही बताना है। तो याद रखिए इसमें आपका सही बी होगा, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। जो एबीसीनी पठार है ना, एबीसीनी पठार आपको देखने को मिलेगा इथोपिया में, ठीक है, ये भी याद रखिए। और जो गुआना है ना, गुआना उच्चभूमि या गुआना का पठार, ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी अमेजन और दक्षिणी अरिनिको नदी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और एटलस पर्वत की बात कर चुका हूं कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। जो आपका ओका बांगू है ये आपका देखने को मिलेगा आपको दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, अंगोला, वोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे तक फैली हुई है, ठीक है। तो इसमें सही पूछ रहा था तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछ रहा है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा कह रहा है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तीसरा कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है? इसी लाइन की बात कर रहे थे हम लोग कि इस लाइन को आप लोग एक से दो बार पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि अगर यहां लिख के आ गया कि सही नहीं है तो आप देखिए कि आंसर आपका तुरंत बदल जाएगा। तो इसी के कारण आते हुए कई बार हम लोग गलत कर बैठते हैं, तो इस लाइन को बड़े ध्यान से देखा करिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा सही है, केवल आप देखेंगे, केवल आपका तीसरा सही है कथन, बाकी एक और दो आपका कथन कैसा है, गलत है बिल्कुल। एलोरा में आप देखेंगे विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाई गई हैं, और बराबर की शैलकृत गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। कहाँ की? बराबर की।
ये सबसे पुरानी गुफाएं जो जैनियों के निवास के लिए अशोक और उसके पुत्र द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने पांच, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी अनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। इसमें पहला कथन क्या क्या कह रहा है कि पौधों की विभिन्न जातियों में जंतुओं से पौधों में सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। सही उत्तर क्या करना है, चुनना है, चुनिए, सही उत्तर चुन लीजिए, बताइए। तो इसमें एक तो आपका एक ऑप्शन सही होगा, इसमें एक आपका तीन सही होगा, दूसरा आपका बिल्कुल गलत होगा, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग इसमें लगाएंगे। क्या लगाओगे, सी ऑप्शन, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को पौधों की विभिन्न जातियों में और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने छह, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग हैन त्सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये याद रखिए, चीनी यात्री था, समझ रहे हैं, हमारा पड़ोसी एक तरह से। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आप देखेंगे, एक कथन कह रहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह से सुरक्षित थे। दूसरा कथन कह रहा है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न था, तो अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष की निर्णय के साधन थे। तीसरा कह रहा है व्यापारियों को नौ घाटों और नारकों पर शुल्क देना पड़ता था, यानी कि टैक्स देना पड़ता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है, सही उत्तर चुनना है। तो इसमें याद रखिए, एक तो आप देखेंगे, दूसरा सही है और तीसरा सही है, पहला कथन बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि अगर आपको आपने आपको निर्दोष साबित करना है, तो या तो आप देखिए विष पीना होगा आपको, या जल या अग्नि में, इनसे आपकी परीक्षा की होती थी कि आप निर्दोष हैं या आप लोग दोषी हैं। और समझिए आप लोग की बड़ा मतलब दिलचस्प रहा होगा, और आज आप देख लीजिएगा। ऐसा भी माना जाता है, देखिए जो गीता खाने की ऐसी कसमें होती थी, आप देखते थे मूवियों में, अभी भी देखते हैं आप लोग कि गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, उस समय इसका कुछ तो महत्व तो रहता होगा। अगर लोग झूठी कसम खाते होंगे तो उसका भुगतान भी लोगों को करना पड़ता होगा, या हो सकता है कि तुरंत उन्हें सजा मिल जाती हो भगवान को, इस तरह की कोई तो परंपरा रही होगी। वरना आप सोचिए कि फिर तो आप सोचिए कि हर व्यक्ति दोषी ही पाया जाएगा अगर इस तरह का कोई हो रहे तो। तो इसमें आपका दो और तीन सही है। युवान च्वाड़ हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, जब भारत पर हर्ष का शासन था, वह भारत के तत्कालीन समय की सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन की व्याख्या करता है। और वह लिखता है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन परंतु ईमानदार थे, गुस्सा वाले थे लेकिन ईमानदार थे। और ऐसा माना भी तो जाता है कि जो जितना सच्चा होता है वो उससे उतना ही गुस्सा आता है, समझ रहे। अब आप सोचिए किसी ईमानदार पर आप लोग झूठ का झूठ किसी तरह का इस तरह का आरोप लगा दीजिए, उसे गुस्सा आएगा। भारतीय लोग स्वच्छता प्रेमी होते थे, मतलब एक तरह से साफ सफाई का भी ध्यान भी देते थे। और वह लिखता है कि बार बार लिखता है कि यात्रा के दौरान लोगों ने उसे लूट लिया और मृत्यु दंड दिया जाता था उसे। मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु दंड की व्यवस्था ही नहीं थी, मौत की व्यवस्था नहीं थी उस समय, और आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड हुआ करता था उसके उस समय। इसके अतिरिक्त अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष निर्णय के साधन थे। और व्यापारियों को नौकाओं और घाटों पर शुल्क यानी कि टैक्स भी देना होता था। तो आप समझिए कि बहुत अच्छी परंपरा रही होगी उस समय की। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। क्या कह रहा है? तारा कछुआ, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर, उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? बताइए आप, प्राकृतिक रूप से कौन से पाए जाते हैं? ये आप देखेंगे, इसमें आपका एक तो तारा कछुआ भी पाया जाता है, और एक आप देखेंगे मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर वानर नहीं पाया जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तारा कछुआ कछुए की एक प्रजाति होती है जो भारत और श्रीलंका के शुष्क और घने जंगलों में आपको देखने को मिलेगी। और जो मॉनिटर छिपकली होती है, एक ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में ही पाई जाती है। वामन सुअर आप देखेंगे नेपाल, भारत और भूटान में लगभग पाया जाता था, और ये लुप्त होता दिखाई दे रहा है। और जबकि स्पाइडर अगर वानर की बात करें तो ये याद रखिए दुर्लभ प्रजाति के जीव है, और यह मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में अभी आपको उष्णकटिबंधीय वनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 8। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? आप आजकल देख भी रहे हैं, हर जगह आप देखिए वायु प्रदूषण फैल चुका है, वायु प्रदूषित हो चुकी है, जल प्रदूषित हो चुका है। तो इसमें आप ये पूछ रहा है कि इसमें कौन से प्रदूषक पाए जाते थे, तो आपको बताना है, यही बताना है। बताइए क्या बताओगे? आर्सेनिक, सार्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम, इसमें से कौन कौन से शामिल, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें एक तो आप देखेंगे आर्सेनिक, फ्लोराइड और एक है आपका यूरेनियम, यानी कि इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको बता दूं कि आर्सेनिक हो, फ्लोराइड हो या फॉर्मेल्डिहाइड, भारत के कुछ भागों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, पता है आपको? तो ये भी याद रखिएगा। चलिए यहां का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका सी लगा दिया आपने, चलिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, आप देखते हैं कि संविधान का जब गठन हो रहा था तो ये संविधान के सदस्य एक संविधान सभा थी, एक तरह से उसी की बात की जा रही है। तो इसमें बताइए आप लोग क्या बताएंगे आप? एक कथन इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संविधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। इनमें से आपको सही बताना है संविधान सभा के सदस्यों के बारे में, संविधान सभा के सदस्यों के बारे में। तो याद रखिए वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं हुए थे उस समय जिस लोगों ने संविधान आपका बनाया था। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और उनके प्रत्यक्ष निर्वाचन का कोई प्रावधान उस समय नहीं था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम लोग, इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। देखिए डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, फिर भी आप सोचिए कि कितना अच्छा संविधान लिखा, और आप देखिए कि संविधान बनाया हुआ है, और आप सोच सकते हैं कि उनकी दूरदृष्टि क्या रही होगी संविधान बनाते समय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कौन सा, 10। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित जंतुओं पर आपको विचार करना है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा,
और समुद्री सिंह, उपयुक्त में से कौन स्तनधारी है? आप समझिए, एक तो गाय आप लोग देखते हैं अपने आसपास दिखाई देती है, और ये पूछ रहा है समुद्री गाय की, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, इनमें से आपको बताना है कि स्तनधारी कौन से हैं। तो इसमें आप देखेंगे आप लोग, तो एक तो आपकी समुद्री गाय है और एक आप देखेंगे समुद्री गाय और समुद्री सिंह, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन रहेगा, एक और तीन। समुद्री गाय और समुद्री सिंह उथले समुद्रों में पाए जाते हैं, जबकि आप समुद्री घोड़ा की बात करें तो ये कोई घोड़ा नहीं है, एक मछली का नाम है, ठीक है, मछली होती है। और समुद्री गाय को आप लोग डूगोंग के नाम से भी जानते हैं, डूगोंग, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 11, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार ही करना है और कुछ नहीं करना है, और आंसर देना है आपको। फिर पहला कथन इसमें क्या कह रहा है आपसे, पहला कथन कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप सभी जानते हैं कि दोनों कथन इसमें गलत हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन की बात आती है तो दोनों के पास आप देखिए बराबर शक्ति है, एक तरह से राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास। तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20 में आपको निर्धारित की गई है, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। संविधान में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, या तो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है या लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और ऐसा विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है, और सामान्यतः मंत्रियों द्वारा लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, और संविधान के सभी अनुच्छेद संशोधन के विषय हैं, और संविधानिक संशोधन के विषय पर गतिरोध होने की स्थिति में, आप समझ रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा के बीच अगर गतिरोध है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की बात कर सकता है अनुच्छेद 168 के तहत। राष्ट्रपति इसे बुलाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, ये भी याद रखिएगा। संविधान संशोधन के प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेदों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे अनुच्छेद जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 169, 240, 327, 348। दूसरा आप देखते हैं कि ऐसे संशोधन जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसमें आप देखते हैं कि चौथी और पांचवी अनुसूची में अगर आपको संशोधन करना है, या अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 में संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत की जरूरत होगी। और तीसरा आप देखेंगे ऐसे अनुच्छेद जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत और साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए। कुछ ऐसे भी आर्टिकल हैं जिनमें आपको अगर संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की जरूरत तो पड़ेगी ही, साथ में आधे से अधिक राज्यों को भी आपको अपने साथ लेना होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें आपका दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, इसमें पहला कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। बताइए भारत के महान्यायवादी के बारे में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्या है सही है? तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका एक सही है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है और लोकसभा में बोल भी सकता है, लेकिन इसके पास लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति साहब। वह देश का सर्वोच्च विधिक यानी कि कानूनी अधिकारी होता है जो संसद की बैठकों में भाग भी ले सकता है लेकिन मतदान का हिस्सा नहीं बन सकता है, क्योंकि लोकसभा का ये सदस्य नहीं होता है, ठीक है।
तो याद रखिए इसमें एक तीन, यानी क्या लगाओगे आप लोग? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। डी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 13। शर्करा उद्योग के उप उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा सही है इसमें। पहला कथन इसमें क्या कह रहा है आपसे? पहला कथन कह रहा है हमसे कि खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि सिरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि सिरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग क्या चुनेंगे? सही उत्तर। तो एक तो आपका इसमें एक कथन बिल्कुल सही है और एक आपका तीन कथन बिल्कुल सही है। दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है? बिल्कुल गलत है। शर्करा उद्योग का उप उत्पाद खोई और सिरा होता है, सीरा होता है, जिसमें खोई को आप देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और सिरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 14। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? बताइए। इसमें ये कह रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, और बी कह रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, सी कह रहा है कि स्थान की अक्षांशीय स्थिति, और डी कह रहा है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? डी ऑप्शन। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण के कारण ही ये होता है, ये घटना घटती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या पूछ रहा है 15 क्वेश्चन? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, आप देखते हैं एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? यह एक रेखीय ब्रह्मांश रिफ्ट घाटी में रहती है, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है इनमें से। इन तीन में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही लगाएंगे आप लोग? क्या लगाओगे, कुछ बताओगे? तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका, यानी कि एक कथन केवल सही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ये आप जानते हैं कि भड़ौच के आसपास आप देखेंगे अरब सागर में मिल जाती है, गुजरात के पास। खाड़ी में गिरने के पहले आप देखेंगे यह ज्वार नद मुख बनाती है, और यह रेखीय विभंस घाटी में बहती भी है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है। इन नदियों के बारे में भी याद रखा करिएगा, नदियों से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 16। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल है, बर्फ छत्र को हिमनद के रूप में रहता है, शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ है? आप देखिए हमारे पास पृथ्वी पर जल की कोई कमी नहीं है, अधिकतर जल आप देखते हैं कि खारे रूप में पाया जाता है, 1% से भी जल पीने योग्य यानी कि उपयोग लायक है, लेकिन उसमें भी आप देखते हैं कि अधिकांश जल या तो बर्फ के रूप में जमा हुआ है या हिमनद के रूप में है, और शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग कहाँ है ये पूछ रहा है इसमें। तो इसमें आपको बताना है, पहला कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है, बी कह रहा है आलवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, सी कह रहा है भूमिगत जल के रूप में होता है, और डी कह रहा है मृदा आर्द्रता के रूप में होता है। तो आप सभी जानते हैं कि भूमि जल के रूप में होता है, और हम लोग उसी जल को निकालते हैं और उसी जल का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सी लगाएंगे। क्या लगाओगे? सी ऑप्शन।
क्वेश्चन है हमारे सामने 17। निम्नलिखित योगों पर आपको विचार करना है। नो क्रैक जीव मंडल रिजर्व, ये कहां है? गारो पहाड़ियां, लोकटक भी कहते हैं झील, बरेल क्षेत्र, नाम डफा राष्ट्रीय उद्यान, डफला पहाड़ियां, उपयुक्त में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो आपको बता दूं, इसमें आप देखेंगे कि केवल एक आपको सही देखने को मिलेगा। नो क्रैक जीव मंडल रिजर्व आपको गारो पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। जो आपकी लोकटक झील है, ये आप देखते हैं कि मोडरांग मणिपुर में देखने को मिलेगी, और जो नाम डफा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए इसमें केवल आपका एक कथन सही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। क्या करना है? निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। कैसे करोगे विचार, बताओ? विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, उपयुक्त में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन से कारण है किसके लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए? बताइए 18 में क्या लगाओगे? तो आपको बता दूं, 18 में आपके सभी जिम्मेदार हैं इसके लिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण भी आपका जिम्मेदार है, भूतापीय ऊर्जा भी है, गुरुत्वीय बल भी है, प्लेट संचलन है, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी जिम्मेदार है। तो इसमें आप डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 19। निम्नलिखित में से किस निकाय किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किन निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? आपको बता दूं, कुछ तो आपकी संविधानिक संस्थाएं होती हैं, कुछ आपकी सांविधिक संस्थाएं होती हैं। संविधानिक संस्थाएं कहने का मतलब होता है कि संविधान के हिसाब से उसकी स्थापना की गई है। संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन, उसकी व्याख्या आपको देखने को मिलेगा, उसकी उल्लेख देखने को मिलेगा। उस जो सांविधिक आपकी निकाय होती है, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं देखने को मिलेगा। उसका केवल आप देखेंगे कि किसी अधिनियम के तहत उसकी स्थापना की जाती है। समझ रहे हैं आप? तो ये बात होती है। तो इसमें आप बताइए कौन सा आप लगाएंगे, क्या लगाओगे? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद है, बताइए इसमें। तो इसमें याद रखिए आपकी तीनों होंगी आपकी। और आपको बता दूं एक बात कि जो आपका योजना आयोग की बात करता है, तो सन 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ चुका है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बंगाल की तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? इनका ये पूछना है आपसे कि जो बंगाल में तिभागा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन था, इनकी क्या मांग थी, किस मांग को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था, बताइए। कि तिभागा आंदोलन के बारे में क्या लगाओगे? एक कथन कह रहा है कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करने करके एक तिहाई करना। बी कह रहा है कि भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। सी कह रहा है कि जमींदारों प्रथा का उन्मूलन और कृषि दासता का अंत। और डी कह रहा है कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। इनमें से कौन सी मांग थी? तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 1946 में बंगाल का तिभागा किसान आंदोलन कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, कंपाराम और भवन सिंह, और इसके अंतर्गत लगान की दर घटाकर एक तिहाई तिभागा करने के लिए संघर्ष किया गया था, और जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करने की मांग भी की गई थी इसमें। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या पूछ रहा है? संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, बताइए इसमें
क्या करोगे? क्या पूछ रहा है आपसे? संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। आप सोचिए, केंद्र सरकार के पास इतनी तो, संसद के पास इतनी तो शक्ति होनी चाहिए कि वो कोई अगर अंतर्राष्ट्रीय समझौता करता है, कोई संधि करता है, तो पूरे भारत पर लागू हो। अब आप सोचिए कि राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश कुछ और कहे, पश्चिम बंगाल और कुछ कहे, तो आप सोचिए फिर तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस तरह से दरार पड़ेगी, एक बाधा आने की कोशिश रहेगी। तो इसमें किसी की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगर संसद हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि करती है किसी से, केंद्र सरकार, तो आप देखिए भारत सरकार तो उसे किसी भी राज्य में लागू करने के लिए सरकार यानी कि संसद कोई भी कानून बना सकती है। सरकार, राज्य सरकारों की इसमें कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, ठीक है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारे सामने 22। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? जो आपके घास प्रदेश होते हैं उनसे भी आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में कई बार, हर बार आते रहते हैं लगभग, और कई परीक्षाओं में आते रहते हैं, उन सबको याद रखिएगा। इसमें आपका पूछ रहा है कि जो आपके घास स्थलों, क्या घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? ए कह रहा है कीटों एवं कवकों के कारण, और बी कह रहा है सीमित सूर्य के विकास और पोषण तत्वों की कमी के कारण, सी कह रहा है कि जल की सीमाओं एवं आग के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए जल की सीमाओं एवं आग के कारण। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जल की सीमाओं और आग के कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या लगाओगे? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 23। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? महासागर झील घास स्थल मैंगो, मैंगो महासागर घास स्थल झील, मैंगो घास स्थल झील महासागर, या फिर महासागर मैंगो झील घास स्थल। तो याद रखिए इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, मैंगो घास स्थल और झील महासागर। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में मैंगो, फिर आप देखेंगे घास स्थल, फिर आप देखेंगे झील, फिर आप देखेंगे महासागर। पृथ्वी पर अगर आप बात करें तो पृथ्वी के दो तिहाई भाग पर महासागर है, लेकिन इनकी उत्पादकता एवं एक तिहाई भाग पर भी नहीं है, इनकी उत्पादकता एक तिहाई भाग पर भी नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन आप देखते हैं जल ही जल हमारी पृथ्वी पर है। क्वेश्चन हमारे सामने 24। क्या पूछ रहा है? भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां के लिए होता है? भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहां होता है? ए कह रहा है प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत, बी कह रहा है नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, सी कह रहा है कि अपतरण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुलम भूमि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिए आप लोग क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग नदी प्रवाहों के सन्निकट बाढ़ग्रस्त होने वाले मैदान तथा निम्न समतल मैदानों वाले स्थानों पर आप लोग इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 25। क्या पूछ रहा है 25 क्वेश्चंस? 25 क्वेश्चंस हमसे कह रहा है सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? बताइए इसमें क्या करोगे आप? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, और डी कह रहा है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसमें सी होगा आपका, बाकी तीन है ना।
सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, जिसे आप लोग पैसा भी कहते हैं, पैसा 1996 को अधिनियमित किया गया था, और जिसका उद्देश्य आप देखेंगे स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय लोगों को शोषण मुक्त कराना। लेकिन याद रखिए, इसमें स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना करने की व्यवस्था नहीं थी, इसका उद्देश्य नहीं था। तो इसमें आप सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला प्रश्न है हमारे सामने 26, अनुसूचित जनजाति और एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होता है? कौन प्राधिकारी होता है बताइए भाई, इसमें क्या लगाओगे? तो इसे याद रखिए, इसमें प्राधिकार कौन होगा? राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर, उपायुक्त, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी या मंडल राजस्व अधिकारी या ग्राम सभा। तो याद रखिए, इसमें आपका ग्राम सभा होगा। क्या होगा? ग्राम सभा होगा। ये सभी अधिकार आपके किसके पास होते हैं? ग्राम सभा के पास। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 27, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है, जिन्हें आफ्लोटॉक्सिन के नाम से जाने जानते हैं आप लोग, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। आफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं बताइए, इसमें क्या लगाओगे आप लोग, क्या कहोगे? तो ये फफूंदी के द्वारा। किसके द्वारा? फफूंदी के द्वारा। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव, यानी कि आप रख लेते हैं ना उनका भंडारण करके, इनके भंडारण के परिणाम स्वरूप आवेशों का उत्पादन होता है, जिन्हें आफ्लाटॉक्सिन के नाम से आप लोग जानते हैं, जो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं और ये फफूंदी द्वारा उत्पादित होते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने 28, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? किसमें उपबंध किया गया है? क्या कह रहा है फिर से सुन लीजिए एक बार। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी कह रहा है मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या लगाओगे? इसमें आपका बी सही हुआ, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रावधान संविधान की उद्देशिका और नीति निर्देशक सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से आपको इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। एक आप लोग नीति निर्देशक तत्वों में आपका एक आर्टिकल है अनुच्छेद 38, इसमें क्या कहा गया है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 39 यानी कि अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों व अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार की बात करती है। और नीति निर्देशक तत्वों का कहने का मतलब यही है कि इसमें जो भी आपको सुविधाओं की बात की गई है, अगर राज्य सरकारें चाहें, सरकार चाहे तो आपको उपलब्ध कराएगी, और उसकी मन पर एक तरह से उसके उसका विशेष अधिकार कह सकते हैं आप लोग, उसकी एक तरह से आप कहिए कि उसके पास ये अधिकार है, वो चाहे तो दे और ना चाहे तो ना दे। लेकिन आप देखते हैं कि आपको मौलिक अधिकार में भाग 3 में आप देखते हैं कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए। अगर आपको किसी भी मौलिक अधिकार का आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं, अगर उसका उसका फायदा आपको नहीं मिल रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें आपका बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
29 पुराने उपयुक्त कंप्यूटरों या फिर उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? बताइए इसमें क्या लगाओगे आप लोग, क्या करोगे? इसमें कह रहा है कि पहला पहला तो आपसे कह रहा है बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, पारद, सीसा, प्लूटोनियम। निम्नलिखित निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या चुनोगे बताइए? एक तो आपका एक सही है, कैडमियम भी सही है इसमें, फिर आप देखिए क्रोमियम भी सही है और पारद और प्लूटोनियम। यानी कि आप देखिए पुराने वो अपयुक्त कंप्यूटर होते हैं उनमें पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण बेरिलियम हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, पारद हो गया और सीसा आप देखेंगे ये सभी ई अपशिष्ट के रूप में मिलते हैं। माफ करिएगा, इसमें एक आपने सीसा होगा ना कि प्लूटोनियम, ठीक है? एक दो तीन चार, एक दो तीन पांच छः, यानी कि क्या लगाओगे इसमें? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए पेपर को, उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल में देखिएगा या अपने पास रख के देखिएगा, तो मुझे लगता है और बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 33, कितना प्रश्न क्रमांक 30। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाली पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। बी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सी कह रहा है ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। डी कह रहा है नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। बताइए इसमें, इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अत्यधिक औद्योगीकरण के कारण आप देखेंगे वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके कारण आप देखेंगे स्कैंडिनेवियाई देशों में अम्ल वर्षा भी होती है। तो इसमें आप डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेगा। डी ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 31। 31 क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे? पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा आपका कथन कह रहा है खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा आपका कथन कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं को जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यानी कि आपको तीन कथनों में से सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो आप देखेंगे किसमें, इसमें केवल एक कथन सही है आपका। क्या है? एक कथन सही है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। जैसे आप देखते हैं पौधे जिन्हें आप लोग उत्पादक कहते हैं, पौधों से आप देखते हैं कौन भोजन प्राप्त करता है? खरगोश हो गया, खरगोश को कौन खाता है? शेर खाता है। इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है? तो इसमें केवल आपका एक कथन बिल्कुल सही होगा, दो और तीन कथन आपके बिल्कुल गलत होंगे। क्या लगाओगे इसमें? ए ऑप्शन लगाओगे आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 32। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, उद्यान से होकर बहने वाली नदियों की बात की गई है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे पहले इसका गठन किया गया था आपको पता है। तो इनमें से गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, कावेरी। उपयुक्त तो युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? क्या ये तीनों सही सम्मिलित हैं या गलत हैं? तो आपको बता दूं कि इनमें से कोई सही नहीं है, तीनों आपके गलत हैं। अब गलत क्यों है सुन लीजिए, जो आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यहां से होकर जाने वाली नदियों की बात करें तो रामगंगा और कोसी नदी है, रामगंगा कोसी नदी।
वहीं अगर हम लोग काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाने बहने वाली नदी की बात करें तो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। वहीं अगर हम लोग साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होने वाली नदी की बात करें तो इसका नाम है कुंतो पूजा नदी। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। इसमें क्या ऑप्शन लगाओगे फिर? यानी कि इसमें डी कोई भी सही नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 33। निम्नलिखित जीवों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। एग्रीकस, नॉस्टॉप, स्पाइरोगाइरा, उपयुक्त में से कौन उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए जो आपका नॉस्टॉक है ना, नॉस्टॉक ये आपका उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसमें क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन की बात। क्वेश्चन है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 34। निम्नलिखित में से कौन से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है या बढ़ाते हैं? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, वनस्पति की मृत्यु। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। मृदा में यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन के बढ़ाने का कौन कौन बढ़ाता है इन तीन ऑप्शन में से? तो आपको बता दूं, एक तो जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु, मनुष्य द्वारा कोयले का जलाना, एक कार्बन आप देखते हैं कि उत्पन्न करता है कोयला, तो इसमें एक और तीन यानी कि सी ऑप्शन आप बिल्कुल सही रहेगा। जंतुओं द्वारा जो यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है या वनस्पति की मृत्यु होती है, इससे मृदा में क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, जो पेड़ों के लिए या इस तरह की घास के लिए काफी जरूरी भी रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 35। निम्नलिखित राज्यों में किसने किन में श्रृंग पुंजी पुच्छी वानर मैकॉक काग अपनी प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? बताइए, श्रृंग पुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसमें आप देखेंगे तमिलनाडु है, केरल है आपका और कर्नाटक, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36। कुछ सेल के बौद्ध गुफाओं को चैत कहते हैं जबकि अन्य को विहार करते हैं, दोनों में क्या अंतर है इसमें? कुछ सैल की बौद्ध गुफाओं को चैत कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, इन दोनों में आपको अंतर बताना है कि आखिर अंतर क्या है इसमें? बताइए क्या अंतर लगाओगे आप? पहला कह रहा है कि बिहार पूजा स्थल होते हैं जबकि चैत बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बी कह रहा है चैत पूजा स्थल होते हैं जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। सी कह रहा है चैत गुफाओं के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि बिहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। डी कह रहा है दोनों में कोई वस्तु पर अंतर नहीं होता है। बताइए इसमें क्या लगाओगे? इसमें लगाओगे आप लोग बी ऑप्शन, चैत पूजा स्थल होते हैं जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। क्या होता है? निवास स्थान होता है। दोनों में मूल अंतर यही है कि आपके चैत्य जो होते हैं ये पूजा ग्रह होते हैं और विहार जो होते हैं निवास स्थान होते हैं। और चैत्य का अगर आप शाब्दिक अर्थ की बात करें तो चिता संबंधी होता है इसका अर्थ। समुदाय के पश्चात बचे हुए जो अवशेष होते हैं उसे भूमि में एक तरह से दबा देते हैं या गाड़ देते हैं, उसके ऊपर कुछ समाधियां बनाई जाती है, उसे प्रारंभ में चैत्य या स्तूप भी आप लोग कहते थे। और चैत क्या रहते हैं कि उपासना के केंद्र रहते हैं। और चैत के आसपास ही आप देखेंगे कि कुछ भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते हैं जिन्हें आप लोग विहार कहते हैं। विहार, बिहार नहीं, विहार। तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 37। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णारूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था।
इसमें आप लगाएंगे ए ऑप्शन। क्या लगाओगे? ए ऑप्शन। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकल्पना निर्माण प्राप्त करना है। यह जीवन का अंतिम सत्य और परम सत्य भी माना जाता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि अपनी तृष्णाओं और वेदनाओं का अंत कर देना, यानी कि अंत हो जाना उनका। ठीक है, तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन सही है। और इसीलिए आप लोगों से कहता हूं बार बार कि आप लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जरूर पढ़ लीजिए विस्तार से थोड़ा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 38। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बताइए इसमें क्या लगाओगे? पहला ये ऑप्शन कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है ये ऑप्शन? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो इसमें आप देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत के संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत होते हैं। ये शासन का मार्गदर्शन करते हुए दिशा सुनिश्चित भी करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार राज्य शक्तियों और कार्य को यथा प्रतिबंधित करते हैं। यानी कि आपने देखा है कि राज्य एक तरह से, इसमें राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग चार में बात कर रहा हूँ, तो याद रखिए इससे क्या रहता है कि ए इसमें जो भी सुविधाओं की बात की गई है, जो भी प्रावधान रखे गए हैं, वे राज्यों की इच्छा पर निर्भर करते हैं। अगर राज्य चाहें तो आपके लिए उपलब्ध करवा सकते हैं और ना चाहें तो आपके लिए उपलब्ध ना करवाएं। ठीक है, तो इसमें आपका सी लगाओगे। क्वेश्चन हमारे सामने 39। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? क्या कह रहा है? साइमन कमीशन के आने के बाद, आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? ए ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। बी कह रहा है साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की संतुति की थी। सी कह रहा है साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और डी कह रहा है साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा इसके बारे में तो आप सी ऑप्शन तुरंत लगा देंगे। इसका विरोध इसीलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आप देखिए कि आप किसी के बारे में कुछ फैसला करने जा रहे हैं और उन्हीं लोगों से आप ना पूछें, वहां के लोगों को ना शामिल करें, तो आप सोचिए उसका विरोध तो होगा। तो यही हुआ था। और आपको बता दूं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या जिसे आप लोग भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं, इसकी समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, पर इसमें एक भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन है हमारे सामने 40। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, बेबेल योजना। तो इसमें आप देखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध में आपने देखा होगा कि बिना भारतीयों की सहमति के इंग्लैंड द्वारा भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे 1937 में नियुक्त मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। और इसके बाद आप देखेंगे 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, लेकिन मिशन की असफलता के पश्चात 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसी आंदोलन में आपने देखा होगा कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। समझ रहे हैं? तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है 41। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? बताइए इसमें क्या लगाओगे? तो इसमें आपका ए ऑप्शन कह रहा है किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन। बी कह रहा है किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं। सी कह रहा है एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन।
डी कह रहा है एक देश से दूसरे देश को पूंजी का संचलन, इसमें आप लोग लगाएंगे क्या, ए ऑप्शन। किसी देश का भुगतान संतुलन किसी निर्धारित समय के दौरान और निर्यात का लेन देन होता है, इसमें वस्तुओं, सेवाओं, उत्पाद और पूंजी का लेन देन को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आप देखेंगे दो महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो आपका चालू खाता होता है, एक पूंजी खाता। ठीक है, चालू खाते में आप देखेंगे दृश्य और अदृश्य सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, जबकि पूंजी खाते में आप देखेंगे स्वर्ण, विदेशी परिसंपत्तियां, पूंजी व्यवसाय, ऋण के लेन देन को आपका शामिल किया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 42। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करती है या करता है। पहला कह रहा है परिसंपत्तियों की तरलता, फिर आप देखेंगे इसमें दूसरा कह रहा है शाखा विस्तारित, तीसरा कह रहा है बैंकों का विलय, और चौथा कह रहा है बैंकों का समापन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करोगे, तो इसमें आप लोग लगाओगे चारों आपके बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत देती है, बैंक रेट की बात करें यानी बैंक रेट में बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा, आप बताइए। बैंक रेट में अगर बढ़ोतरी होती है तो क्या होगा, ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है। बी कह रहा है केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है। सी कह रहा है केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। डी कह रहा है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बैंक दर से मतलब ही ये होता है कि उस दर से है जिसका प्रचलित दर पर रिजर्व बैंक बिलों की कटौती करता है, यानी कि एक तरह से रिजर्व बैंक जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसी को आप लोग बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, और यदि आप देखेंगे कि अगर बैंक दर में वृद्धि हो जाए यानी कि बढ़ोतरी हो जाए तो इसका मतलब यही होता है कि रिजर्व बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में भी वृद्धि हो जाती है। अब बैंक अगर आप देखिए कि उन्हें अगर ऊंची ब्याज दर पर अगर पैसा मिले तो आप भी लेंगे, अगर ब्याज आप भी ऋण लेते हैं तो आपको भी ऊंची ब्याज दर देनी पड़ेगी, तो इसमें आपका डी है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय कब कहाँ है, बताइए आप लोग, क्योंकि ये कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और कई बार आप लोग बता भी चुका हूं कई बार। क्वेश्चन हमारे सामने 44, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, आर्थिक विकास के लिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे आर्थिक विकास के लिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब यही होता है कि आय की तुलना में अधिक व्यय से लगाया जाता है, यानी कि आय आपकी कम है वो खर्च ज्यादा हो रहा है, और इसका कार्यात्मक वित्तीय नीति का अनुसरण सरकार आर्थिक विकास की गति देने के लिए संसाधनों के सृजन के लिए करती है जिसमें आप देखेंगे देश के समुचित विकास किया जा सके, तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 45, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है, बताइए आप लोग। क्या कह रहा है 45, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है। एक कथन कह रहा है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इसमें केवल आप देखेंगे दूसरा आपका सही है, सही कथन पूछा है, क्योंकि आप देखेंगे उस समय कोई बड़े बड़े महल और मंदिरों की पूजा नहीं होती थी, ना तो उनके पास बड़े बड़े महल थे और ना ही मंदिर थे, और उस समय आप जानते हैं कि युद्ध में घोड़े के साक्षी कहीं कहीं मिले उस समय, तो आप सोचिए कि वहां उपयोग कहाँ से होता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोक विचलन में देवी और देवताओं दोनों की पूजा होती थी, यहाँ आप देखेंगे प्रकृति की देवी मात देवी और शिव की मूर्तियां के काफी साक्ष्य मिले हुए हैं।
एक मूर्ति मूर्ति में आपने देखा होगा स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी दिखाई दिखाया गया है। संभवतः ऐसा माना गया है कि ये पृथ्वी देवी है और मातृ देवी हड़प्पाई जीवन में विशेष स्थान रखती थी। और मुख्य आप देखेंगे मुख्यतः पुरुष देवता पशुपति महादेव होते थे, जिन्हें आप देखेंगे मोहरों में योग की मुद्रा में बैठा हुआ तीन मुखों वाला दो सिंहों से युक्त दिखाया गया है। यह आप देखेंगे चार पशुओं हाथी बाघ गैंडा भैंसा से घिरे हुए हैं। इनके पांव के पास आप देखेंगे दो हिरण बैठे हुए हैं। सैंधव सभ्यता के मिले साक्ष्यों में लोहे और घोड़ा के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, समझ रहे हैं? तो इसमें आप लोग केवल आपका दूसरा है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 46। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? टैटू आप समझते हैं ना, आप लोग बचपन में जाते होंगे तो टैटू आप लोग काफी बनवाते थे और एक तरह से शौक हुआ करता था ये, समझ रहे हैं? क्या हुआ करता था? बहुत समझ चुके कहना। टैटू का चिकन गुन्या या क्रिस्ट बी एचआईवी एड्स, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे यकृत शोथ और बी और एचआईवी एड्स, यानी कि इसमें बी ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है? एक टैटू बनने से आप देखें, टैटू बनवाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि एक ही सुई का वहां उपयोग किया जाता है टैटू बनाते समय। ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर के बदल देते हो, समझ रहे हैं? आप सोचिए कि अगर एचआईवी एड्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और एक हिस्से जो वो रखे हुए हैं सुई एक ही रखे हुए हैं, उसी से दूसरे को इंजेक्शन दे देते हैं, उसी से आपको दे देते हैं, तो आप सोचिए इससे फैल सकता है। डॉक्टर बदलता थोड़ी है, आप जाते हैं, आप लोग नाई के पास जाते हैं, आप ब्लेड क्यों बदलवा लेते हैं? इसीलिए बदल पाते हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ना फैले, और बदलवाना भी चाहिए, ठीक है? तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 47। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन धर्म, फिर बार बार से बोल रहा हूं मैं, कई बार बोल चुका हूं आपसे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीन चार पांच क्वेश्चन तो हम लोग देख ही चुके हैं, तीन चार पांच। तो इसमें आपका एक कथन कह रहा है कर्म को विनष्ट विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, कर्म आत्मा का विनाशक है और वो अवश्य इसका अंत करना चाहिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चिन्हना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे। जैन धर्म में आप देखते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल यानी कि निर्माण यानी कि ज्ञान प्राप्त करना बताया गया है, और इस धर्म में आप देखेंगे देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार भी किया गया है, परंतु उन्हें उन्हें जिन से नीचे का स्थान दिया गया है। महावीर कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म के में विश्वास भी करते थे, महावीर स्वामी की बात कर रहा हूँ। महावीर ने मोक्ष और उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए पवित्र नैतिक कल्याणकारी जीवन पद्धति कठोर काया क्लेश प्रायश्चितों का प्रावधान भी किया है, और जीव का अंतिम लक्ष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना और निर्वाण की प्राप्ति करना है, क्योंकि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको मोह माया लगी रहेगी, ठीक है? तो इसमें एक तरह से आपका कौन सा लगाया गया आप लोग? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कायात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? बताइए भाई, इसमें भी बताइए क्या लगाओगे 48 में? पहला कह रहा है संक्रमिका यानी कि इकोटोन, दूसरा कह रहा है पारिस्थितिक कर्मरता, सी कह रहा है आवास और आवास क्षेत्र। तो इसमें आप देखेंगे पारिस्थितिक कर्मरता, ठीक है? इसमें आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 49। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश रासायनिक धूप धूम का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? NO2, O3 तथा पैरा परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO और O2
तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सीओ सीओ टू तथा एनओ टू के बीच निम्न ताप पर, एनए टू के उच्च सांद्रण ओ थ्री तथा सीओ के बीच शाम के समय, बताइए इसमें से क्या लगाओगे? तो इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। प्रकाश रासायनिक धूप का बनना या धूप का बनना, एनए टू और ओ थ्री तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का परिणाम ही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 50। निम्नलिखित खनिजों पर आपको विचार करना है, कैल्शियम लोहा और सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? तो आप देखेंगे इसमें आपका कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और सोडियम, यानी कि एक सही है और तीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन हमारे सामने 51। क्या पूछ रहा है 51? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, लोक लेखा संसदीय समिति के बारे में बताना है। इसमें पहला कथन कह रहा है हमसे कि लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। दूसरा कह रहा है सरकार की विनियोग एवं वित्त लेखाओं की जांच करती है। तीसरा कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए इसमें दूसरा और तीसरा आपका कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑप्शन लगाएंगे। लोक लेखा समिति में आप देखेंगे कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आप देखेंगे इसमें 15 तो आपके लोकसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और 5-7 आप देखेंगे सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस तरह से टोटल आपके 22 होते हैं। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य सदस्य के रूप में होते हैं और इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। कोई भी मंत्री इस समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता है और इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष के लिए होता है। यह भारत सरकार के लोक लेखा और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की प्रतिवेदन का निरीक्षण भी करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च किया जाए और अपव्ययों को रोका जाए। यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा रहेगा। इन समितियों को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना अच्छे से 1-2 बार। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करना है आपको। भक्ति संतों पर क्या करना है? विचार करना है। कैसे विचार करोगे? पहला कह रहा है दादू दयाल गुरु नानक और त्यागराज, इनमें से कौन उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ हुआ। 1526 के आसपास की बात की जा रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि इस समय गुरु नानक की बात है। 1526 में आप देखते हैं पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। और इसमें आप देखेंगे कि जो इब्राहिम लोधी था ये पराजित हो गया था और दिल्ली में मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। इसमें आप देखेंगे और इस समय आपके गुरु नानक देश उपदेश दिया करते थे। तो इसमें आपका केवल बी रहेगा क्योंकि 2 कथन सही है। इसमें क्या लगाओगे? बी। क्वेश्चन है हमारे सामने 53। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? बताइए कौन से कहलाते हैं? विषाणु, कवक और जीवाणु। आगे क्या कह रहा है यहां भी पढ़ लीजिए। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। इसमें आप देखेंगे कवक है और आपका जीवाणु शामिल है, यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में कवक और जीवाणु मुख्य अवघटक जीव होते हैं। 2-3 सही है, यानी कि क्या लगाओगे आप लोग? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 54। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र
उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां जहां क्या जहां उष्ण और शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती हैं, और बी कह रहा है नदियां सागरों में प्रचुर मात्रा में ताजा जल प्रवाहित करती हैं, सी कह रहा है उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं, और डी कह रहा है महाद्वीपीय सेल्फ तरंगित हैं। तो इसमें बताइए क्या है। तो इसमें आप लगाएंगे सी, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं जहां मिलती हैं। संसार में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं मिलती हैं। ठंडी धाराओं के साथ आप देखिए मछलियां आती हैं, और गर्म समुद्री धाराएं में इन बड़ी मछलियों के लिए चारा उपलब्ध होता है। जैसे आप देख सकते हैं जापान हो गया, न्यू फाउंडन फाउंडलैंड हो गया, पूर्वी अमेरिकी तट हो गया, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 54 में सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 55। निम्नलिखित में से कौन से विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता या विशेषताएं हैं, अद्वितीय विशेषताएं हैं। तो इसमें आपको कह रहा है ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनकी कीट नियंत्रण वितान बनाते हो, दूसरा कह रहा है बहुत सी जातियां का सहअस्तित्व हो, तीसरा कह रहा है अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विधानता हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा के दोनों ओर आप देखेंगे विस्तार होने के कारण वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे आप देखेंगे यहाँ सदैव उच्च तापमान बना रहता है। और औसत तापमान की बात करें वास्तविक तापमान की, तो 26.7 डिग्री सेल्सियस से आपका 28.37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और यहाँ की रातें ही शीत ऋतु होती हैं, और उच्च तापमान के कारण यहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ काफी सघन वन भी पाए जाते हैं, और इन वनों में अगर वृक्षों की बात करें तो महोगनी हो गया, ब्राजील बुड़, सीडर, बलराम, गाटाबारचा, रबर, ताड़, बांस, इस तरह के वृक्ष भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि तीनों आपके बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक अगला कौन सा है, 56। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं। इसमें पहला कह रहा है विदेशी ऋण, दूसरा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तीसरा निवेश निजी पेशे धन, और चौथा कह रहा है पोर्टफोलियो निवेश। निम्नलिखित कूटों पर आपको सही उत्तर चुनना है, इसमें से क्या चुनोगे। इसमें आपका एक सही है, दो सही है और चार सही है। पूंजीगत लेखा के अंतर्गत आप देखेंगे ऐसे वित्त को सम्मिलित किया जाता है जो देश के उत्पादन में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हो, जैसे आपका विदेशी ऋण हो गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो गया, पोर्टफोलियो निवेश हो गया। लेकिन आप जो निजी पैसे धन निजी उपयोग से संबंधित होता है, यानी कि इसमें आप बी ऑप्शन लगाएंगे, 1, 2, 4। 56 में आपका बी। क्वेश्चन हमारे सामने 97, संतावन संतानवे नहीं संतावन 57। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित स्थल ऐतिहासिक स्थलों पर आपको क्या करना है, विचार ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें आपका कह रहा है अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रलेखा के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर जाने जाते हैं, और अजंता और एलोरा की गुफाएं आप देखते हैं महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, और जिसमें अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं। यानी कि इसमें एक और दो आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 58। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि सांख्य पुनर्जन्म या फिर आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा कह रहा है सांख्यिकी मान्यता है कि आत्मज्ञान की ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है,
क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें याद रखिए आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। सांख्य दर्शन की रचना आप सभी जानते हैं कि कपिल मुनि द्वारा की गई थी, जिसमें ब्रह्मा को नकार दिया गया तथा पुनर्जन्म और कर्म को स्वीकार किया गया है। आत्मज्ञान की मुक्ति का एकमात्र साधन माना गया है। इसमें ब्रह्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया गया है, यानी कि आपके दोनों सही रहेंगे। सी ऑप्शन आप लोग लगाओगे। क्या लगाओगे? सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्रमांक अगला है क्वेश्चन 59। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? बताइए, निहित हैं। क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? एक कथन कह रहा है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा कह रहा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कह रहा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें याद रखिए एक और आपका दो बिल्कुल सही है, तीसरा आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य आप देखते हैं कि संसद के सदस्य होते हैं। आप सभी जानते हैं कि संसद के सदस्यों को ही तो मंत्री बनते हैं, और जब तक मंत्रिपरिषद को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक वो अपना पर बने रहते हैं। अब आप सोचिए कि लोकसभा में किसी को बहुमत ही ना रहे तो वो क्या उखाड़ेंगे उस पद पर बने हुए? इस्तीफा दे देंगे, गिर जाएगी सरकार। तो इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 60। महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके कारण क्या है? क्या कह रहा है? महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि तटीय क्षेत्रों से अधिक होता है, और इसका क्या कारण होता है? इसमें एक कथन कह रहा है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। दूसरा कह रहा है महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। तीसरा कह रहा है अंतः स्तरों में तेज पवनों की विद्यमानता। और चौथा कह रहा है तटों की अपेक्षा अंतः स्तरों में होने वाली भारी वर्षा। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, आप ही बताओ। तो इसमें केवल आपका एक कथन बिल्कुल सही होगा, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होने के कारण महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहता है। ठीक है, इसमें केवल आपका एक ही सही रहेगा, बाकी उन्होंने गलत लिखे हुए हैं, तो आपको भी गलत लिख देना है। 60 में आपका ए ऑप्शन। चार ऑप्शन देने की जरूरत क्या थी? चार कथन बता, खैर छोड़िए। क्वेश्चन है हमारे सामने 61। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं? उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संगलन तापमान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो आप सभी जानते हैं कि उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश भारतीय कोयले के विशेष गुण हैं, यानी कि आपका ये ऑप्शन इसमें लगाओगे। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला 62। भारतीय भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। और चौथा कह रहा है इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखिए एक तो बेदा एक आपका सही रहेगा, एक चार सही आपका रहेगा। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण आप देखते हैं निक्षालन से होता है। इसमें लोहे और एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड पाए जाते हैं। लोहे की अधिकता होने के कारण इसका रंग आप देखते हैं कि लाल होता है, जबकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होने पर इसे बॉक्साइट कहा जाता है। या पूर्वी उड़ीसा हो, उड़ीसा, राजमहल पहाड़ी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, पन्ना, रीवा जिला, अरावली के पूर्वी भाग, सिलांग पठार, मालाबार तट पर मिलती है आपको। अगर आपके यहाँ भी लाल मिट्टी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग एक दो
माफ करिए, एक और चार सही कथन है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 63, क्या कह रहा है 63? निम्नलिखित 63 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्थरों में पाई जाती है। दूसरा कह रहा है अभ्यंग प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। और तीसरा कह रहा है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से सही कथन आप बताइए, क्या बताइए, सही कथन बताइए। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा आपका अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। बाकी आपका 1 और 3 बिल्कुल गलत है। अभ्यक के उत्पादन में आप सभी जानते हैं कि भारत में विश्व प्रथम, भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है अभ्यक में। इसकी बहुतायत मात्रा में आप देखेंगे विशेष रूप से झारखंड राज्य के कोडरमा में आपको देखने को मिलेगा, मिलते पाया जाता है। और इसका उपयोग विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में किया जाता है। प्राकृतिक गैस आंध्र प्रदेश के गोदावरी बेसिन या तटीय गुजरात क्षेत्रों में पाई जाती है। धारवाड़ में मुख्य रूप से आप देखेंगे लोहे अयस्क और गोंडवाना संस्तरों में कोयला पाया जाता है आपका। इसमें आपका केवल बी ऑप्शन सही रहेगा, केवल 2, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 64, निम्नलिखित फसलों पर आपको विचार करना है। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? आप सोचिए, अगर आप किसानी से जुड़े हुए हैं तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। इनमें से आपको बताना है खरीफ फसलें कौन सी हैं। तो आप देखेंगे एक तो आपकी कपास है, मूंगफली है और धान है। इस तीनों आप देखते हैं एक ही टाइम में बोई जाती हैं। कब? जुलाई माह में, जून जुलाई के आसपास बो दी जाती हैं आपके यहाँ। और कटाई की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई भी कर दी जाती है। इनके लिए तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इनका तापमान, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है। इसमें आपकी कपास हो गई, मूंगफली, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, तुअर, ये सभी फसल आपकी खरीफ फसलें हैं, ठीक है। अगला, तो इसमें क्या लगाओगे आप, 1, 2, 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 45, क्या है 45, माफ करिए 65, 45 कहां से आ रहा है। जलवायु चरम है और वर्षा कम है और लोग चलवासी पशु चारक हुआ करते थे। उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किसका अच्छा, सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेप, उत्तरी अमेरिकी पेरी, साइबेरियाई टुंडा। तो इसमें आप देखेंगे मध्य एशियाई स्टेप की बात कर रहे हैं। मध्य एशियाई स्टेपीय प्रदेश में जलवायु चरम होती थी और वर्षा कम होती है और यहाँ के लोग चलवासी पशु चारक होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 66, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मुद्रास्फीति रेडियो को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही लगाओगे आप? तो इसमें आप देखेंगे कि आपका एक ऑप्शन सही है, मुद्रास्फीति अगर बढ़ती है तो रेडियो को लाभ होता है, यानी कि ऋण लेने वालों को लाभ होता है और ऋण देने वालों को नुकसान होता है। अब कैसे होता है, मुद्रास्फीति मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी लाती है और जिसके कारण मौद्रिक मूल ह्रास होता है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं और उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है और ऋणदाता को हानि होती है। मुद्रास्फीति के कारण बॉन्ड के मूल्य में कमी होती है जिसके कारण बॉन्ड धारकों को हानि होती है। इसमें आप देखेंगे मुद्रास्फीति के अगर प्रभाव की तो हानि वाला वर्ग, लाभ वाला वर्ग जिसमें उपभोक्ता है हानि में, ऋणदाता, निर्यात में कमी, पेंशन भोगी, स्थिर आय समूह, डिवेंचर बैंड धारक। और अगर लाभ वर्ग में बात करें तो उत्पादक, ऋण प्राप्तकर्ता, व्यापारी वर्ग, आयात में वृद्धि, विनियोजक, कृषक। आप देखिए, आपको बता दूं कि एक सामान्य सी वर्ग, इसमें मुद्रास्फीति में क्या होता है कि आप सोचिए मुद्रा की क्रय क्षमता घटती है। आप सोचिए जो काम आप लोग 10 रुपये में कर ले रहे थे, अब वही काम के लिए अब आपको 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं? तो ये हाल था। तो इसमें आपका क्या लगाओगे, केवल ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, क्या होता है भाई बताइए? प्रचंड बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है,
ए कह रहा है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, बी कह रहा है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं, सी कह रहा है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य रहती है, और डी कह रहा है श्रमिकों की उत्पादकता नीचे रहती है। तो इसमें आप देखें कि सी ऑप्शन सही रहेगा, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य रहती है। पिछन बेरोजगारी की स्थिति में आप देखेंगे सीमांत उत्पादकता शून्य आपको रहेगी, यानी कि उत्पादन कार्य की वह स्थिति जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। सीधा सा मतलब निकाल लीजिए आप लोग, खेती में आप देखते हैं गांव की तरफ, अगर आपके पास 2 बीघा खेती है तो उसमें आपका पूरा परिवार लगा रहता है। अगर उस परिवार में आप देखिए 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो सभी उसी में लगे रहेंगे, और वहां काम किसने लोगों के लिए, एक काम उस पूरी खेती को कर सकता है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि 4 से 5 लगे हुए हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जीरो। आप सोचिए कि अगर 3 भाई, आप सोचिए कहीं कोई और काम करने लगे, एक भाई खेती करने लगे, तो उस परिवार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। यानी कि आपसे सोचिए कि उत्पादन काल से उन्हें हटा भी दिया जाए तो उसे कोई काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकासशील देशों में पिछड़ने बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। विकासशील यानी कि हम भी विकासशील में आते हैं, जबकि विकसित देशों में आप बात करें तो घर्षणात्मक और चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। पिछन बेरोजगारी की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में किया था, 1936 में। और पिछन बेरोजगारी आप देखिए हमारे भारत में बहुत देखने को मिलेगी, आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बहुत देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है हमारे सामने 68, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? विचार ही करना है। केंद्र में आप देखिए पहला कथन है, इसमें क्या कह रहा है? केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा कह रहा है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा कह रहा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए इसमें तीनों आपके कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 74 यानी कि 74 में इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, और 75 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है आपका। मंत्रिपरिषद लोकसभा से में प्राप्त बहुमत के आधार पर 5 वर्ष तक काम करेंगे। कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेगा। और याद रखिए राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिसकी सत्ता होती है, जिसके पास पावर होती है, उसी का एक तरह से राष्ट्रपति बनता है। आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा और आपके विधानसभा सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अभी आप देखिए करंट की बात कर लेते हैं, आप लोग देखिए रामनाथ कोविंद साहब हैं, एनडीए ने इन्हें राष्ट्रपति बनाया हुआ है, और आप सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री जो कहें और वो राष्ट्रपति ना करें तो कल आप सोचिए हट जाएंगे। तो ये आप लोग समझिए, और प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब होता है कि एक तरह से राष्ट्रपति यानी कि प्रधानमंत्री ही होते हैं, एक तरह से प्रधानमंत्री की ही शक्ति होती है, सत्ता की ही शक्ति होती है। तो इसमें आपके तीनों कथन बिल्कुल सही रहेंगे। अब प्रधानमंत्री थोड़ी किसी मंत्री से इस्तीफा मांगेगा, राष्ट्रपति से कहेगा कि उन्हें हटा दीजिए। तो इसमें आपका तीसरा तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 69 यानी कि 69। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या कह रहा है? पहला कथन इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया। भारत का संविधान यह भेद करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से इनमें से कथन में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है आपसे, बताइए कौन सा कथन सही रहेगा। तो इसमें आपका 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है। और आपको बता दूं कि जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, एक सांविधिक निकाय है, और 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी, और इसका उद्देश्य यही था कि योजना आयोग से अलग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे। और आपको मालूम होना चाहिए कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आपका नीति आयोग आ चुका है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है? तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, 2 और 3 सही है आपका।
यानी कि बी ऑप्शन आप बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 70। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन इसमें कह रहा है राज्यसभा का सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। और आगे एक क्या पूछ रहा है आपसे, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो आप देखेंगे केवल आपका दूसरा कथन सही है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति, माफ करिएगा सॉरी, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है वो आपका राज्यसभा का सदस्य होता है। और आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, इनके सदस्य मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं, इनमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन आप देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी, ये भी याद रखिएगा। और आपको मालूम है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, फिर चाहे आपके मनोनीत हों या आपके क्या हों, चुने गए हों, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपके विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, याद रखिए। एक बार आप लोग पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत को उठाइए और एक से दो बार बड़े मन से पढ़ लिया करिएगा, बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें आप बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 71। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। तो इसमें पहला कथन कह रहा है इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। दूसरा कह रहा है ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखिए इसमें दोनों कथन आपकी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के वर्गों कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है और देश भर के विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक प्राधिकरण को निर्देश भी जारी करती है। यानी कि एक और दो दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 72। तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं बताइए। एक कह रहा है इसमें कथन की आकाश में कपासी बरसी मेघों के मिलने से, दूसरा कह रहा है तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती हैं, तीसरा कह रहा है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे एक और तीन बिल्कुल सही है। वर्षा कपासी बादल गहरे रंग के और विस्तृत होते हैं और पर्वत के समान ऊंचे आपको दिखाई देते हैं, और इनके ऊंचे शीर्ष को नेहाई शीर्ष कहा जाता है, और ये गरज तड़प के साथ कभी भी वर्षा कर सकते हैं, और ये बादल ओला और तड़ित झंझा के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, और इनका गर्जन भी मेघ कहा जाता है इसे। हवा में नमी के साथ जल कणों में तीव्र आवेग होता है इनमें, समझ रहे हैं। तो इसमें आपका एक और तीन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 73। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जनजाति हो गया, ये राज्य हो गए, और उपयुक्त युग्मों में आपको सही सम्मिलित देखना है। लिंबू सिक्किम कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोंद ए उड़ीसा, बोंडू तमिलनाडु, बताइए इसमें। तो याद रखिए लिंबू सिक्किम बिल्कुल सही है, डोंगरिया बांध उड़ीसा में ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी आपका एक
यानी कि दो और चार बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 74। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर आपको विचार करना है। कैसे विचार करोगे? करिए विचार अगर कर लेते हो तो। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा, और तीसरा कह रहा है बैंकों के पास बचत जमा, और चौथा इसमें कह रहा है करेंसी। इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम आपको देखना है। किस तरह से देखोगे? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे चार, फिर आप देखिए एक, फिर आप देखेंगे इसमें तीन, फिर आप देखेंगे दो। चार एक तीन दो। तरल संपत्ति का मतलब होता है कि उस धन से होता है जिसे न्यूनतम हानि कम से कम हानि पर नगद के रूप में परिवर्तित किया जा सके। इस क्रम में आप देखेंगे करेंसी हो गया, बैंकों के पास मांग जमा, फिर उसके बाद बैंकों के पास बचत जमा, फिर आप देखेंगे बैंकों के पास सावधिक जमा क्रम। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? चार एक तीन दो। इस तरह से आपका डी ऑप्शन होगा, ठीक है, घटते क्रम में आपको लगाना है। क्वेश्चन है हमारे सामने 75। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, बी कह रहा है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग व व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, सी कह रहा है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिए आपका आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय व विक्रय, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। खुले बाजार का परिचालन के अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है, और इसके लिए जनता या फिर बैंकों से अपने द्वारा तय की गई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 75। 75 तो हो गया, 76, 76 इसने क्रमांक 76। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? क्या पूछ रहा है इसमें कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो आप सभी जानते हैं, ये तो कृषि हो गया, लघु माइक्रो एवं छोटे उद्यम, दुर्लभ वर्गों, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी होगा, ये तीनों होंगे आपके, क्या होंगे? तीनों होंगे। भारत सरकार द्वारा देश में ऋण देने के संबंध में कुछ प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनका मूल उद्देश्य होता है सतत और समावेशी विकास होता है एक तरह से। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 77। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है अभियांत्रिकी, कागज एवं लुगदी, वस्त्र उद्योग, ताप शक्ति। तो इसमें तो आप लोग आंख बंद करके डी लगाएंगे ना, ताप शक्ति, आप आंख बंद मत करना। पानी का सबसे ज्यादा उपयोग आप देखते हैं थर्मल पावर द्वारा किया जाता है, जिसमें द्वारा टर्बाइन का संचालन किया जाता है और विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके विपरीत वस्त्र उद्योग, पेपर उद्योग में पानी का उपयोग कम और प्रदूषण अधिक होता है इसमें। इसमें आप लोग डी लगाएंगे, सीधी सी बात। क्वेश्चन है 78। जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि आप देखिए अभी हम लोग उस जनसंख्या के एक तरह से पड़ाव में है जहां सबसे ज्यादा काम करने योग्य जनसंख्या है, क्योंकि युवा जनसंख्या है हमारी, तो इसका लाभ किस तरह से हम उठा सकते हैं बताइए, इससे भी बता दीजिए आप लोग कैसे उठाएंगे। आप ही सरकार को एक तरह से सुझाव देते रहा करिएगा, अगर सरकार मान ले तो मान ले आपकी सुझाव भी। ए कह रहा है कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना, बी कह रहा है अधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का आरंभ प्रारंभ करना, सी कह रहा है शिशु मृत्यु दर में कमी, और डी कह रहा है उच्च शिक्षा का निजीकरण। तो याद रखिए इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आप सोचिए इन्हें कुशलता विकास का, इनमें आप लोग कुछ मानव पूंजी में बदल पाते हैं, इन्हें काम लायक बना पाते हैं, तो आप देखिए काफी इसका फायदा होगा।
जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा और कार्यशील जनसंख्या यानी कि 15 साल से लेकर 64 साल तक, इसे ही आप लोग एक तरह से काम करने योग्य जनसंख्या, युवा जनसंख्या कहते हैं, या जनांकीय लाभ में जोड़ते हैं। और इन्हें अगर आप पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा बनाते हैं, इन्हें कौशलता, ये कौशल उपलब्ध कराते हैं, तो इसका काफी अच्छा फायदा भी उठाया जा सकता है। चाइना ने इसका फायदा उठाया भी है, लेकिन भारत अभी तो नहीं दिख रहा है कि फायदा उठा पा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 79। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वप्रथम रूप से वर्णित करता है, यानी कि इस मुद्रा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, एक तरह से आपको यही बताना है। एक कह रहा है इसमें एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी गीवा पर बक की जाती है। बी कह रहा है मुख अभी व्यंजनाओं और हस्त मुद्राओं और आसज्जा कति पर महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। और सी कह रहा है देह मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है। डी कह रहा है मंद स्मृति थोड़ी वक्र कटी और कति पर हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है, प्रेम एवं संग्राह श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो इसमें आप लोग कौन लगाएंगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक शारीरिक मुद्रा को त्रिभंग कहा जाता है, जो उड़ीसा में होने वाली उड़ीसी नृत्य से संबंधित है और यह प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को काफी अति प्रिय है। और इसमें एक पांव को मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गीवा पर बक की जाती है, यानी कि इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगाएंगे, सीधा सा कहने का मतलब। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 80। एनी बेसेंट का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, आप समझ रहे हैं। तो एनी बेसेंट के बारे में आप लोग, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें आपका ए एक सही है और तीन आपका सही है। यह आपको बता दूं कि यह आयरिश मूल की एक महिला थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़कर यह 1893 में भारत आई और वाराणसी में, बनारस में बस गई थी। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की थी और 1917 में इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी और 1918 में इन्होंने अडयार में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। इन्होंने 1916 में सितंबर में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना भी की थी और जॉर्ज अरुणडेल को होम रूल लीग का सचिव भी बनाया था। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए कॉमन वील और न्यू इंडिया का प्रकाशन भी किया था, किसने? एनी बेसेंट ने। इसमें आपका एक और तीन बिल्कुल सही रहेगा, क्या लगाओगे? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 81। क्या कह रहा है 81 क्वेश्चंस? एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? ये पहला, ये कथन कह रहा है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। बी कह रहा है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। सी कह रहा है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। और डी कह रहा है इसमें आपका कि आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। बताइए इसमें क्या लगाओगे आप, किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाने से संबंधित था। इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। आप सभी को मालूम है कि 1861 से देश भर में एक ही फौजदारी कानून लागू किया गया था और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया था। उससे पूर्व देश में दो प्रकार के कानून चलते थे, एक तो आपका प्रेसिडेंसी, नगरों में अंग्रेजी कानून, और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे मुगल कानून चलता था। और उस समय ऐसा सोचा गया था कि यूरोपीय व्यक्तियों को मुस्लिम कानून में लाना, कानून के अंतर्गत लाना ठीक नहीं है। उस समय एक प्रथा बनाई गई कि प्रेसिडेंसी नगरों में दंडात्मक दंडनायक
या फिर सेशन जज भारतीय यूरोपीय दोनों की सुनवाई कर सकते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो केवल यूरोपीय न्यायाधीश यूरोपीय अभिव्यक्तों की सुनवाई कर सकते हैं, यानी कि यूरोप के जो न्यायाधीश होंगे यूरोप की ही लोगों की आप सोचिए वही एक तरह से सुनवाई कर सकते हैं, भारतीय नहीं कर सकते हैं। और सर पीसी एल्बर्ट जो वायसराय की विधि परिषद के सदस्य थे उन्होंने इस अन्याय को दूर करने के लिए एक बिल पेश किया था जिसे आप लोग एल्बर्ट बिल के नाम से जानते हैं। और इस विधेयक में आप देख दें उद्देश्य यही था कि जाति भेद पर आधारित सभी अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय और यूरोपीय का न्यायाधीशों को समान शक्तियां प्रदान की जाए। इस विधेयक का यूरोपियों ने कड़ा विरोध भी किया था और 26 जनवरी 1884 को इसके स्थान पर नया विधेयक भी लाया गया था। तो आप समझिए कि उस समय काफी भेदभाव था, समझ रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर भेदभाव था। 82 क्वेश्चन पूछ रहा है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस किन कारणों से हो सकती है, बताइए, इसे भी बताइए आप लोग। कह रहा है कि सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस कारण से हो सकती है। पहला कथन इसमें कह रहा है द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, दूसरा कह रहा है उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, तीसरा प्रभावी मांग में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें याद रखिए आपके तीनों बिल्कुल सही है। सामान्यतः कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि अथवा कमी को ही आप लोग मुद्रास्फीति या फिर अवस्फीति की संज्ञा देते हैं। अगर सामान्यतः कीमत स्तर में अगर निरंतर वृद्धि बढ़ोतरी हो रही तो उसे आप लोग मुद्रास्फीति कह देते हैं और कमी हो रही तो उसे आप लोग अवस्फीति कह देते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं मुद्रास्फीति में आप देखिए कि एक तरह से मुद्रा जो होती है ना आपकी उसकी क्रय शक्ति में गिरावट ही लाती है। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे, डी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 83, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है। एक कह रहा है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विशेष आहरण अधिकार यानी कि एफडीआर तथा विदेशों से ऋण से, दूसरा कह रहा है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशेष आहरण अधिकार से, सी कह रहा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति विश्व बैंक से ऋण और विशेष आहरण अधिकार, और डी कह रहा है विदेशी मुद्रा इस परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विश्व बैंक से ऋण से संबंधित। बताइए इसमें क्या लगाओगे, 83 में क्या रहेगा, 83 में आप लोग लगाओगे बी। क्या लगाओगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षण निधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विदेशी आहरण अधिकार यानी कि जिसे आप लोग एसडीआर भी कहते हैं इन्हें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है, बताइए इसमें क्या लगाओगे, लोक ऋण की चुकौती, और बी कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋणादान, सी कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से ऋणादान, डी कह रहा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन, यानी कि इसमें आप लोग लगाएंगे डी ऑप्शन। क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 85, द्रव की पूर्ति यथावत रखने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है। ए कह रहा है कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, बी कह रहा है ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, सी कह रहा है ब्याज की दर में कमी हो जाएगी, और डी कह रहा है आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें आप देखिए कि ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन होगा। द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि हो जाए तो ब्याज दर में वृद्धि होगी। ए प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार यदि मुद्रा पूर्ति एवं मांग के मध्य असंतुलन होता है तो ब्याज की दर को प्रभावित करेगा। पूर्ति की तुलना में मांग की अधिक होने पर बाजार शक्तियां अधिक प्रभावशील होंगी और ब्याज दर को विपरीत रूप से प्रभावित भी करेंगी, कीमत भी बढ़ेगी उसकी। आप देखिए जहां एक अनार 100 बीमार की वो कहावत सुनी है उसी जैसा हाल है।
क्वेश्चन है हमारे सामने 86। शीत कोष्ट में भंडारित जल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि, क्यों चलते हैं बताइए, क्या क्या कह रहा है आपसे? शीत कोष्ट में भंडारित जल फल, जल नहीं फल, अधिक समय तक चलते हैं। सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो याद रखिए इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि निम्न तापमान पर जीवाणुओं में श्वसन की दर घट जाती है जिससे वे अनुपातिक रूप से कम वृद्धि कर पाते हैं और लंबे समय तक आसानी से नहीं रखा जा सकता है। 87 है, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार करना है आपको। घड़ियाल, चरमपीट, कोर्म, लेदरबैक, टर्टल, अनूप मृग, उपयुक्त में से कौन संकटपन है बताइए, कौन संकटपन है? तो इसमें आप देखें तीनों है आपके, क्या लगाओगे इसमें? तीनों है आपके, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, इनकी सुरक्षा करना जरूरी है। क्वेश्चन है हमारे सामने 88। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग बेयरिंग का प्रयोग होता है, आपने देखा होगा बेयरिंग लगाई जाती है का आपकी, तो इसमें क्या बता पूछ रहा है आपसे? क्योंकि इससे क्या हो जाता है, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। बी कह रहा है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। सी कह रहा है पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभाव क्षेत्र घट जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखिए इसमें सी बिल्कुल आपका सही है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग इसलिए होता है कि यह पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श के प्रभावी क्षेत्र को कम कर दे, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 89। निम्नलिखित परिघटनाओं पर आपको विचार करना है, क्या करना है? विचार करना है। क्या कह रही है परिघटनाएं? गौधुली में सूर्य का अमाप, ऊषा काल में सूर्य का रंग, ऊषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारा का दिखना, उपयुक्त में से कौन सी दृष्टि भ्रम है बताइए आप। तो इसमें आप 1, 2 और 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। गौधुली में सूर्य का अमाप, ऊषा काल में सूर्य का रंग और आकाश में तारों का टिमटिमाना दृष्टि भ्रम की परिघटनाएं होती हैं, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 90। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं बताइए, कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं? परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आप सभी देखेंगे तीनों ये बिल्कुल आपके सही है। क्या है तीनों बिल्कुल? इंद्रधनुष बनता है, 7 रंगों वाला। 91 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कई पितिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, कई पितिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते, क्यों नहीं बढ़ते? कि आपका नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं और पितिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। डी कह रहा है पितिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इसमें याद रखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कई पितिरोधित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि पितिरोपण के दौरान अधिकांश मूल उनका मूल जो रोम होता है वो नष्ट हो जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 92। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी कैसे? ये कह रहा है इसमें आपका विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगी या फिर बी कह रहा है एक्स में जनसंख्या वृद्धि होगी, एक्स में सी कह रहा है एक्स में पूंजी निर्माण होता है और डी कह रहा है विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है, तो याद रखिए इसमें सी होगा। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि देश में एक्स में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है और पूंजी निर्माण में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का अनिवार्य घटक समझी जाती है। किसी वर्ष के शुरू में और उसी वर्ष के अंत में प्राप्त राष्ट्रीय आय से भाग दे दें तो उसे 100 से गुणा कर दें
तो इसे राष्ट्रीय आय को प्रतिशत में वृद्धि या समृद्धि दर या फिर राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर कहते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें सी लगाएंगे। क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है विषाणुओं में को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचारण केवल जबकि संवाहकों द्वारा ही होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसमें आप लोग क्या चुनेंगे? इसमें केवल आपका एक कथन बिल्कुल सही है और बाकी दो और तीन बिल्कुल गलत हैं। विषाणुओं में एंजाइम का अभाव पाया जाता है जिसके कारण उसमें स्वयं ऊर्जा उत्पादन की क्षमता का अभाव पाया जाता है। इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि ए ऑप्शन लगाएंगे केवल। क्वेश्चन है हमारे सामने 94, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होते हैं या होता है, बताइए होते हैं या होता है, क्या होते हैं? तो इसमें आप देखेंगे पहला कह रहा है कठोर एवं मौमिक पर्ण, दूसरा कह रहा है लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, तीसरा कह रहा है पर्ण की जगह कांटे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे तीनों आपके बिल्कुल सही हैं, तीनों बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जल ह्रास को रोकने के लिए आप देखेंगे मरुस्थलीय पौधों के पर्ण का रूपांतरण हो जाता है कठोर एवं मौमी पर्ण, लघु पर्ण एवं पर्णहीनता, और पर्ण की जगह कांटे, यानी कि तीनों इसमें आपके सही रहेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 95, प्रकृति के ज्ञात बलों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुम्बक, चुम्बकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। उनमें उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्या है पूछ रहा है? सही नहीं है, तो बताइए सही कौन होगा इसमें? ए कह रहा है गुरुत्व चारों ओर में सबसे चारों में सबसे प्रबल है। बी कह रहा है विद्युत चुम्बकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। सी कह रहा है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, और डी कह रहा है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो याद रखिए इसमें आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रकृति के चार ज्ञात बलों को चार वर्गों में आप लोग बांटते हैं, जैसे आप देखते हैं गुरुत्व, विद्युत चुम्बकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इनमें गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल नहीं होता है गुरुत्व, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है 96, निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण की स्थिति के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे, इस कण की खोज का क्या महत्व है? इस कण की क्या महत्व है? यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सहनती सनती क्यों होती है। दूसरा कह रहा है निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। तीसरा कह रहा है यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग आपको सही चुनना है इसमें। तो इसमें याद रखिए केवल आपको एक कथन सही है, यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में सहनहती क्यों होती है। तो इसे याद रखिएगा, और जिसके लिए आप देखते हैं कि हैंक्स बोस हैंक्स हैक्स बोसोन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक खोज प्रक्रिया के केंद्र में है, और जिसके लिए स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर सतह से 280 मीटर नीचे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला भी स्थापित की गई थी। समझ रहे हैं? तो इसके लिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि इसमें क्या लगाओगे? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 97, कवक मूलीय माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में क्या होता है? पौधों में एक कह रहा है कि सूखे सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता जाती है। दूसरा कह रहा है पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है,
और तीसरा कह रहा है रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही चुनना है इसमें से। तो याद रखिए, एक तो इसमें आपका एक सही है और एक आपका 3 सही है। कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाती है, साथ ही रोगग्रस्तता से छुटकारा भी मिलता है। 97 में यानी कि आपका क्या रहेगा, 1-2 यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 98। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, वित्त आयोग, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर भी चुनना है। बताइए तो सही क्या रहेगा इसमें, इसमें सही क्या रहेगा? तो इसमें याद रखिए, एक तो आपके प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे इसमें, और आपके संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण भी शामिल रहेंगे, और आपके राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल किए जाते हैं। और ये 1950 में स्थापित हुआ था, माफ करिए 1950 में योजना आयोग आया, उसी से संबंधित था आपका ये राष्ट्रीय विकास परिषद, जो आपका 6 अगस्त 1952 में आया था, इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संविधानिक सलाहकारी संस्था है, और आप सोचिए इसका महत्व भी घटता जा रहा है। जब से आपका योजना आयोग खत्म हुआ, नीति आयोग आया हुआ, तब से आप देख रहे हैं कि ये काफी चर्चा में भी नहीं रहता है। और इसमें देश का कार्यकारी प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, एक पदेन उपाध्यक्ष भी होता है, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण भी शामिल होते हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अगर हम लोग कार्यों की बात करें तो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों के अंगीकरण को प्रोत्साहन करना, देश के सभी भागों की तीव्र और संतुलित विकास के लिए प्रयास करना, राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, या फिर राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों संबंधी विषयों पर विचार करना, और राष्ट्रीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देना, ये सभी इसी के काम है। 1-3-4 यानी कि आप क्या लगाओगे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 99। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, क्या पूछ रहा है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय। ए कह रहा है नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। बी कह रहा है कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सी कह रहा है सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। डी कह रहा है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। राष्ट्रीय आय का मतलब ही यही होता है कि किसी देश के निवासियों या फिर नागरिकों द्वारा एक निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अत्यंत वस्तुओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें मध्यवर्ती या उत्पाद की गणना नहीं की जाती है, ठीक है, अंतिम मूल्य एक तरह से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 100। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है या करते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर भी चुनना है। कैसे चुनोगे? तो इसमें याद रखिए, एक तो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देता है और एक आपका भूमि विकास बैंक। ग्रामीण परिवारों को सीधी ऋण सुविधा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, पता है। और एक आपकी है नाबार्ड, आप लोगों ने सुना होगा, जिसे आप लोग कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिव रमन कमेटी की सिफारिश पर। और इनका मुख्य काम ही है कि कृषि और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने यानी कि ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, इसे याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो इसमें क्या लगाओगे, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए, ये था आपका 2013 का UPSC प्रीलिम्स का पहला पेपर, ठीक है। आने वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2014 का सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट को देखेंगे। इसमें याद रखिए, थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग सकता है,
क्योंकि थोड़ा विस्तार से हम लोग बात कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, कि यही क्वेश्चंस आगे जाकर किसी इसी परीक्षा में पूछ ले। या मान लीजिए कि आप सोचिए कि 2014 का जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है उसमें 2013 के क्वेश्चंस आ जाएं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हो सकता है इनका थोड़ा बहुत स्वरूप बदल के आपके सामने क्वेश्चंस आ सकता है, ज्यों का त्यों नहीं आएगा, ठीक है, सामान्यतः यही देखा जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, तब तक आप एंजॉय करते रहिए, बढ़ते रहिए।